हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आईटी। कुछ कॉलेजेस में मैकेनिकल वालों को भी ये सिलेबस में आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस लेक्चर में टोटल 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। पर ये टॉपिक्स पे जाने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसका एक बेसिक आइडिया हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वी से कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर्स आपने स्टडी किए हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, जितने भी टाइप के आपने स्टडी किए हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। बट इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 अगर आप निकालते थे स्कूल में तो लिखते थे कि इट डजंट एग्जिस्ट, उसका आंसर नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका भी आंसर हमने फाइंड आउट किया है। उसी तरह से लॉगरिदम में भी, लॉग में अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू लॉग में, तो बोलते हैं आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। बट हमेशा इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और रियल नंबर तो नॉर्मली कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है तो मैं अगर ऐसा लिखूं 2+3i, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज ये जो पार्ट है जिसमें आई नहीं है उसे हम रियल बोलते हैं, जिसमें आई है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है? ओनली थ्री इज इमेजिनरी नंबर। आई तो क्या है? उसका नोटेशन है कि भाई आई मीन्स इमेजिनरी, आई इज नॉट अ वैल्यू, राइट? यहाँ पे 3 आपका इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म क्या है। तो कार्टेशियन फॉर्म उसका स्टैंडर्ड होता है जो होता है a+ib, कई बुक्स में ऐसा लिखते हैं, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं x+iy। व्हाट इज दिस? इट इज अ कार्टेशियन फॉर्म। तो मैंने ये जो नंबर लिखा वो इसी फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे? अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो देखो मैं लिखता हूं 2+3i। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट x=2 एंड y=3। means real number is 2, imaginary number is 3, and this form is known as Cartesian form। यानी लिखने का स्टाइल है कि भाई रियल और इमेजिनरी को कैसे लिखना है, प्लस में लिखना है, माइनस में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, डिवाइड में लिखना है, किस में लिखना है, राइट? तो उसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं और नॉर्मली इसको हम z से डिनोट करते हैं। So z is a function जिसमें real और imaginary number होते हैं। If z is positive, then z bar will be its conjugate। ठीक है, ध्यान देना, वीडियो को फॉरवर्ड करके फास्ट करके मत देखना, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। स्लो स्पीड में जाने देना उसी की स्पीड से, so that you will be able to understand very perfectly।
जेड बार होता है, अगर ये प्लस है तो जेड बार होगा माइनस में, सो इट इज कॉन्जुगेट, राइट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये साइन सिर्फ हम चेंज करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखना, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भी है, प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री में देखना कि मैंने इसके कॉन्जुगेट के बारे में आपको समझाया है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, तो यहां पे मैं इसको मार्जिन कर देता हूं, इट इज कार्टेशियन फॉर्म। अब हम पोलर फॉर्म देखते हैं इसके बाजू में, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगे। पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म है, जिसमें जैसे इसमें हमने एक स्टाइल में लिखा कि रियल और इमेजिनरी को इस तरह से हम लिखते हैं, पर पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं कि z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये फॉर्म जो बना इसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो चलो इसका तो मैंने एग्जांपल बताया कि ये फॉर्म का एग्जांपल ये है, तो ये फॉर्म का एग्जांपल कैसा दिखेगा प्रैक्टिकली भी आप देखो कि इसका कैसा दिखेगा। सपोज r के बदले मैंने रूट टू लिखा, फिर एंगल सपोज पाई बाय फोर है, यहां पे भी पाई बाय फोर आएगा। तो इस तरह का आपको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा इन पोलर फॉर्म, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस किसका करना होता है, z का, फंक्शन का। इफ z इज x प्लस आई वाय, देन मॉड्यूलस ऑफ z विल बी, याद रखना रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर रूट करना है। रियल क्या होता है इसमें x, इमेजिनरी क्या होता है y, तो रियल और इमेजिनरी का आपको स्क्वायर करना है और प्लस लिखना है, माइनस नहीं, ठीक है। भले आप अगर z बार लेते हैं इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो भी यहां तो प्लस ही आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है इसलिए। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका मॉड्यूलस बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई हमें इसका मॉड्यूलस ढूंढना है 2 प्लस 3 आई का, तो उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि z मॉड्यूलस ऑफ, अगर ये है तो 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या आएगा 4 प्लस 9, that will be equal to root 13, so this is the value of modulus, right। उसके बाद देखते हैं argument और amplitude, उसको मैं यहां पे लिखता हूं, argument और amplitude क्या होता है, theta की value होती है which is tan inverse of y upon x, tan inverse of y upon x। तो y और x क्या है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y एंड x, यहां पे डालना है, फिर इसका डिवीजन करके उसका tan inverse फाइंड करना है, उससे आपको थीटा मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, क्लियर। इसके बाद के वीडियोस में थोड़ा इसके एग्जांपल्स और डिटेल में देखेंगे, राइट। तो ये इसका बेसिक एक मैंने आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाया है, वेरी बेसिक। फॉर्मूलास का भी वीडियो नहीं बना है, बट वो भी हमें बनाऊंगा और एग्जांपल्स का बनाऊंगा। आप इसको शेयर करते रहिए, मोटिवेशन मुझे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर मोर, ऑल द बेस्ट।